चीन के लोग जिंदा मछली भी खा जाते हैं। चीन में चिड़िया के घोंसले से बने सूप की मांग बहुत ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये घोंसला 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। कोरोना जैसी घातक बीमारी चीन से ही निकल कर आई। चीन में औसतन 40 लाख बिल्लियां हर साल खाई जाती हैं। चीन के लोग चूहे के बच्चे खा जाते हैं। हाल ही में हंता वायरस से मौत की बात सामने आई। चूहे और गिलहरियों में ये वायरस पाया जाता है। आगे आपको बताएंगे चीनी कैसे गधा और जिंदा बंदर भी खा जाते हैं। चीन में सुबह 8 बजे तक बच्चे स्कूल चले जाते हैं और आम घरों में सुबह 7 बजे तक ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। ऑफिस जाने वाले लोग 8 से 9 बजे के बीच घर से निकल जाते हैं और 8 से 9 के बीच ही वो ब्रेकफास्ट करते हैं। चीन में किसान, मजदूर, व्यापारी सभी लोग दिन की शुरुआत 7 बजे से करते हैं। चीन के लोग मुर्गी के अंडों को मिट्टी, चाय पत्ती, राख और नमक के मिक्सचर में डालकर कई दिनों तक रख देते हैं और जब ये पूरा काला ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो लोग इसे खाने में पसंद करते हैं। चीन में जिंदा बंदर का दिमाग भी खाया जाता है। चीन में यह डिश काफी महंगी मिलती है। ये एक ऐसी डिश है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चीन में ये वीवीआईपी डिश माना जाता है। आने वाले के सामने एक जिंदा बंदर लाया जाता है, फिर खाते वक्त बंदर के दिमाग पर जोर से हमला किया जाता है जिससे उसका दिमाग बाहर आ जाता है और खाने वाले उसके भेजे को खाने लगते हैं। ये डिश चीन में अमीरों का डिश माना जाता है क्योंकि जिंदा बंदर के दिमाग को खाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आपको ये भी बता दें कि इसके खराब टेस्ट के चलते इसे खाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता। चीन के कई इलाकों में यह डिश बैन की जा चुकी है लेकिन कई जगहों पर आज भी ये प्रचलन में है। चीन में चमगादड़ भी खाया जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक चीन में उपजा कोरोना वायरस चमगादड़ के सूप से ही निकलकर इंसानी शरीर में प्रवेश कर गया। चमगादड़ को खाने वाली चीनी महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। आपको बता दें कि इंसानों के लिए मौत बना कोरोना चमगादड़ों के लिए वरदान की तरह होता है। आगे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में देखकर और जानकर आपको घिन आएगी। शायद आप चीनियों के इस डिश के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे हे भगवान ये चीनी क्या क्या खा जाते हैं। चीनियों के फेवरेट डिश में से एक है स्नेक सूप। आपने हजारों तरह के सूप के बारे में सुना होगा लेकिन चीन के लोग स्नेक सूप को काफी फेवरेट मानते हैं। चीन में चूहे, बंदर के अलावा गधा भी खाया जाता है। चीन की यह डिश भी काफी विवादित है। इसमें गधे को जिंदा ही रखा जाता है और उसके कुछ हिस्से का मांस काटकर परोसा जाता है। इसके लिए गधे के हाथ पैर बांधकर जिंदा ही उसके बॉडी पार्ट्स काटे जाते हैं और फिर सर्व किया जाता है। सबसे घिन आने वाली बात यह है कि गधे के दिमाग को जिंदा ही खा जाया जाता है, साथ ही उसके मांस को भी। चीन के हेनान और हुबोई में सरकार ने अब इसे बैन कर दिया है। चीन में बत्तख का जिंदा भ्रूण भी काफी पॉपुलर है। चीन के नाजनियांग इलाके में यह डिश बेहद पॉपुलर माना जाता है। बत्तख के जिंदा भ्रूण को उबाल कर रखा जाता है। यह डिश चीन के अलावा फिलीपींस में भी खाई जाती है। चीन में जिंदा घोंघा भी बड़े चाव से खाया जाता है। घोंघा में काफी मात्रा में जिंक पाया जाता है जो किसी और तरह के मांस, फल या सब्जी में नहीं मिलता। चीन में झींगे को शराब में डुबोकर खाया जाता है। इसे जोशिया के नाम से जाना जाता है। इसे बनाने के लिए झींगा को जिंदा ही शराब में डुबोकर परोसा जाता है। शराब में डूबा हुआ झींगा भी जिंदा ही रहता है और फिर उसे ऐसे ही सर्व किया जाता है। ये थी चीन की वो डिशेस जो चीनी बड़े चाव से खाते हैं।